हेलो युवान, वेलकम टू माय चैनल रिस्टॉक्स। इस चैनल में मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाता हूँ जिस पे आप कुछ ना कुछ पैसा कमा सको, आपकी इनकम में ग्रोथ हो, आप भी अच्छे पैसे कमाएं। तो जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छी रिटर्न देते हैं, लेकिन उस शेयर्स में क्या प्रॉब्लम है, उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। लाइकवाइज कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो 1000 के मिलते हैं, 2000, इवन डैट 800, 900। तो कुछ एंट्री लेवल्स के ट्रेडर जो अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं, जिन्होंने अभी पैसा लगाना शुरू किया है, तो उनका बजट भी कभी कम होता है, बहुत कम होता है। तो उनको कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए होते हैं जिनका प्राइस कम हो, इन बिटवीन 50 और 100, 100 और 50 के बीच हो। लेकिन अगर हम लो प्राइस स्टॉक्स की बात करें, ऐसे स्टॉक्स जिनकी कॉस्ट कम है, जो 50 और 40 का, लेकिन उनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, स्मॉल कैप होते हैं, तो आपका पैसा डूबने का बहुत सारा चांस होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनका प्राइस तो कम है लेकिन वो पैसा कमाने का दम रखते हैं। और इसी सीरीज में मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक ढूंढ के लाया हूं जिसका प्राइस भी कम है और आप इसमें पैसा भी कमा सकते हो। तो इस कंपनी का नेम क्या है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका प्राइस भी कम है, इसका सेक्टर भी ऐसा है आईटी, आने वाला टाइम आईटी का है, आपको ही पता है। तो एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करता है जिसका टाइम आने वाला है। तो इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस बात को जानने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए आप पूरी वीडियो को देखो, सो डैट कि आप इसका टेक्निकल, फंडामेंटल और शेयर होल्डिंग के बारे में जान सको। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूँ इसकी वेबसाइट के ऊपर, सॉरी वेबसाइट नहीं, मनी कंट्रोल के ऊपर लेके आया हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि अभी जो इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी इसका करंट प्राइस जो चल रहा है 60 रुपीज है, और डे आज 11 जुलाई है, 60 रुपीज चल रहा है, नियर अबाउट 60 रुपीज एंड 75 पैसा। तो इस स्टॉक्स में सबसे पहले अगर देखो तो 69% ऑफ पीपल की, बहुत सारे 69% लोग बोल रहे हैं कि इसको बाय करो, 15% लोग कह रहे हैं कि इसको सेल करो, 16% लोग जो कह रहे हैं होल्डिंग करो। तो अगर आप रेशियो निकालो तो 85% लोग आपको ये कह रहे हैं कि स्टॉक को अपने पास रखो, और जो 15% लोग कह रहे हैं इसको बाय करो। तो ये आपके सामने इसकी थोड़ी सी डिटेल है, आप इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, खुद भी ओपन करो, मनी कंट्रोल के ऊपर जाओ, इकोनॉमिक्स टाइम्स के पास जाओ, बहुत सारी सी वेबसाइट है, investing.com पे जाओ, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी स्टॉक की। तो इसके बाद आते हैं हम इसकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये हमारी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की वेबसाइट है। तो वेबसाइट के ऊपर हम आ गए, वेबसाइट के बेसिकली मैं इस वेबसाइट पे क्यों लाया, सो डैट कि आपको पता चल जाए कि ये कंपनी काम क्या करती है, इनका काम क्या है, इनकी इनकम सोर्स क्या है। तो ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बीपीओ, आईटी, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इनका मार्केट काफी अच्छा है, टेलीकॉम, मीडिया, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, इवन डैट हेल्थ केयर, और मे भी काम करते हैं। इनके ऑफिस कहाँ, यूके, यूएस, फिलीपींस और श्रीलंका में इनका काफी अच्छा बिजनेस है, इनके हेडक्वार्टर्स हैं और सब्सिडियरी है। तो आप इसकी वेबसाइट में सो डैट कि आपको पता चल सके कि एक्चुअल वर्क क्या करते हैं। जो अभी जो थंबनेल की बात, एक स्क्रीन ओपन थी, आप सभी सोच रहे हो स्क्रीन का मतलब क्या है, तो चलो मैं उस स्क्रीन को ओपन कर देता हूं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मनी कंट्रोल के ऊपर एक आर्टिकल है जिसमें लिखा बाय फर्स्ट सॉल्यूशंस टारगेट ऑफर ₹87, और ये जो लाइन है बाय फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस टारगेट ऑफ 87, कौन बोल रहा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट इज अ बुलिश ऑन अ फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन हैज रिकमेंडेड बाय अ रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस 87 इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट डेटेड 7 अगस्त 2018। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट क्या कह रहा है, उन्होंने अपनी सर्च में कहा कि आप इस स्टॉक को बाय करो, इसका टारगेट जो 87 का रहेगा। तो अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 60 रुपीज आ चुका है, क्योंकि गाइस कुछ हफ्ते पहले इसका, एक हफ्ते की बात छोड़ो, एक दिन पहले इसका प्राइस 64 था, उससे पहले ये 70 पे एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद अपना लो बनाते बनाते ये 60 पे आ गया। मीन्स ये एक ऐसा स्टॉक है जो लो बना चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हमारा थोड़ा रिव्यू था फर्स्ट और सॉल्यूशंस के बारे में। चलो हम इसके थोड़े चार्ट की एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा आपके माइंड में और क्लियर हो जाए, तो हम इसके चार्ट पे आते हैं। तो ये हमारा वन डे का चार्ट है, जो कि लास्ट फ्राइडे को 10 जुलाई का चार्ट है। अब इसमें देख सकते हो जो स्टार्टिंग प्राइस है, डे की स्टार्टिंग में इसका प्राइस 63 था, और जब डे एंड होते ये 60 पे आ गया, इसने अपना लो बताया। तो 5 डे का देखते हैं, 5 डे में भी आप देख सकते हो कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, क्या प्राइस था, 66 रुपीज और 45, और लास्ट नाउ ये 60 रुपीज का है। तो ये लो बना रहा है काफी टाइम से, 1 मंथ से आप चेक करो,
तब भी लो बना रहा है, 3 मंथ्स में भी थोड़ा सा लो है, 6 मंथ्स की बात करो तो अच्छा स्टॉक दिख रहा है, इसकी जो चाल है अच्छी है, देखो कितने सही तरीके से ये अप जा रहा है, 48 से स्टार्ट हुआ है 6 मंथ्स में, और ये ग्रो करता करता 6 मंथ्स के अंदर ही 82 को टच कर गया था। तो गाइस अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, नीचे आया है, तो ये आपके लिए एक अच्छा बेस बना है, आप इस चार्ट के ऊपर इसको अपनी वॉच लिस्ट में डालो, इस पे नजर रखो सो डैट कि आप इसमें कुछ पैसा कमा सको, क्योंकि देखो गाइस हम सभी इस स्टॉक मार्केट में क्यों आए हैं, पैसा कमाने ही तो आए हैं, तो आप इस पे जरूर वॉच रखो सो डैट कि आपको भी पैसा कमाने का मौका मिले। तो नेक्स्ट, तो अभी 1 ईयर का एयरटेल का चार्ट देख लेते हैं, 1 ईयर का देख लेते हैं, 5 ईयर्स का देख लेते हैं। तो अगर 5 ईयर्स का चार्ट भी देखो, इसका जो एंट्री प्राइस 13 रुपीज था, 10 रुपए पे गए झुनझुनवाला जी ने में इस पे इन्वेस्टमेंट की थी, और ये स्टॉक उनके पास भी है। तो गाइस तो ये आप देख सकते हो कि इसकी चाल को, कि मींस इसने काफी पैसा कमा के दिया अप ट्रेंड में, लेकिन अभी कुछ टाइम से लो ट्रेंड में आ गया है, तो ये आपके लिए एक टाइम बन रहा है, आप इस पे वॉच करो, जब ये आपका एग्जैक्ट सही पॉइंट आए तो इस पे बाय करो। तो बाकी इसका एमसीडी क्रॉस आप देख सकते हो, अभी क्रॉस हुआ है तो एमसीडी लाइन नीचे जा रही है, ब्लैक कलर की एमसीडी लाइन जो नीचे दिख रहा होगा 5 रुपीज और 17 पैसा की, वो नीचे जा रही है। तो अभी जब इसका दोबारा एक क्रॉस होगा और जो एमसीडी क्रॉस करके स्टॉक लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो समझ लेना एक राइट टाइम है इसको बाय करने का। और बाकी नीचे आपको ग्रीन कलर की एक लाइन दिख रही है जिसको हम RSI टूल बोलते हैं, ये बेसिकली टूल आपको क्या बताता है कि आपको कब परचेस करना, ये आपको बताएगा कि कब कोई स्टॉक ओवरसोल्ड है और कब कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मीन्स ओवर बाउट, बहुत ज्यादा लोग खरीद चुके हैं। तो अगर कोई स्टॉक 30 से नीचे है तो वो ओवरसोल्ड है, समझ में आई बात। और अगर कोई स्टॉक 40 से लेकर 90 के इन बिटवीन है तो अप ट्रेंड में है, और ऐसा स्टॉक अभी ये देखो 46 पे है इसका RSI है, तो मीन्स ये अप ट्रेंड में, ये स्टॉक बुलिश होने के लिए तैयार है और आप भी तैयार रहो इसमें पैसा कमाने के लिए। तो ये था इसके चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ हम टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो अभी हम आते हैं इसकी डिलीवरीज के ऊपर, सॉरी शेयर होल्डिंग, पहले डिलीवरीज की बात करेंगे हम। तो ये हमारे सामने डिलीवरीज रही, तो डिलीवरी लास्ट 10 अगस्त को डिलीवरी जो है इसका ट्रेड वॉल्यूम क्या था, पहले ये देख लेते हैं। तो ट्रेड वॉल्यूम क्या था, 95 लाख, मतलब कि लगभग 95 लाख की ट्रेडिंग है, और डिलीवर स्टॉक्स कितने हैं, 48 लाख हुए हैं, 50% डिलीवरी रेट है, मींस इसकी डिलीवरी रेट भी अच्छी, मींस लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ट्रेडिंग चल रही है, तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है, आप इस पे वॉच कीजिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की, टेक्निकल्स गाइस अगर आप एयरटेल डेट की बात करो तो इसने 48% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर की बात करो तो 77% का रिटर्न है, 2 ईयर्स में 30% का है, 3 ईयर्स में 90 है, और 5 ईयर्स में इसने 410 का रिटर्न दिया है। तो नाउ द टाइम अगर आप 3 मंथ्स में देखो तो 15% लो है, 1 मंथ में देखो तो 80% लो है, 1 वीक में 70% लो है। तो ये जो 3 लो बने हैं ये आपके लिए एक इंडिकेशन है, ये आपके लिए कंसोलिडेट करके एक लो ट्रेंड बन रहा है, एक ऐसा पॉइंट बन रहा है जिसपे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि इसका RSI भी अच्छा है। बस आपने क्या वेट करना, आप MACD टूल देखो, जब आपके सामने कोई अच्छा क्रॉस ओवर बनता है, स्टॉक बुलिश हो रहा है, तो इसपे पैसा लगाओ, और वैसे भी आपके सामने एक 82 का टारगेट पड़ा है, तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अभी जाओ इसको स्टॉक को बाय कर लो, नहीं, मैं अभी नहीं ये बोल रहा कि आप इसको बाय कर लो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इसको वॉच लिस्ट में रखो, इस पे कंटिन्यूअसली इसका चार्ट देखो, राइट टाइम आने पे इन्वेस्ट करो। तो बाकी हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, तो फंडामेंटल्स की बात करें, मार्केट कैप कितना है इस स्टॉक का, तो ये आपके सामने है, 4,000 करोड़ का समथिंग का इसका मार्केट कैप है, अर्निंग पर शेयर 5 रुपए 7 पैसा, पीई रेशो बहुत वैल्यू मैटर करती है, पीई रेशो, तो पीई रेशो इसका 10 है, तो अगर आप किसी स्टॉक का पीई रेशो 10 से कम है तब उसे बोलते हैं कि चीप वैल्यूएशन है स्टॉक की, मतलब बहुत चीप है, बहुत लो रेट में मिला, और लो रेट का मतलब ये होता है कि स्टॉक की पिटाई हो चुकी है भाई, लेने के लायक नहीं। अगर कोई स्टॉक आपको 20 से अब मिलता तो हम कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव, तो इसका रेट भी अभी 11 अच्छे प्राइस में मिल रहा है, इंडस्ट्री पी 21 है, बुक वैल्यू इसकी 785 चल रही है, बाकी डिविडेंड इसका 2.7, थोड़ा सा इस पे कर्जा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो आई होप कि आगे जाके अच्छा काम करेंगे और आपके लिए अच्छी इनकम जनरेट करके देंगे। तो बाकी हम इसके प्रमोटर्स की बात कर,
तो प्रमोटर्स की बात करें तो गाइस 54% प्रमोटर इंडियन प्रमोटर के पास हैं। पब्लिक में अगर आप चेक करो 10% स्टॉक एफआई के पास है, मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास भी है। और किसी स्टॉक में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना पार्टिसिपेशन देते मींस उस स्टॉक में कुछ तो बात है, दम है, तभी वो पैसा लगा रहे हैं। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 8% है और नॉन इंस्टीट्यूट सॉरी इंस्टीट्यूशंस के पास 26% ऑफ स्टॉक है। तो ये आपके सामने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का फुल फंडामेंटल से लेके टेक्निकल एनालिसिस था। लास्ट में क्वेश्चन वही जो आपके माइंड में चल रहा है, सबके माइंड में चल रहा होगा, इसको बाय करना है या नहीं करना है। देखो इसका सभी कुछ अच्छा चल रहा है, आरएसआई भी अच्छा है, बस आपने एमसीडी क्रॉस का वेट करना है, पी रेशो भी अच्छा है, आपने ये देखना है कि ये अभी लो ट्रेंड में चल रहा है, कभी ये लो बना के थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है एक पॉइंट के ऊपर तो ये हाई बनाएगा, 80 तक जाएगा, तो आप इस पे कंटिन्यूस वॉच करो, राइट टाइम देके इस पे पैसा इन्वेस्ट करो, सो डैट कि आप भी रिच बनो, आप भी स्मार्ट बनो। तो ओके गाइस, थैंक यू। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो डैट आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स की अपडेट मिलती रहे। और प्लीज वीडियो को लाइक भी करो कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के लाऊं। तो लास्ट गाइस, थैंक्स, बी हैप्पी, शेयर करो, खुश रहो, सी यू अगेन।